विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, हर नीतियों और योजनाओं पर सवाल करता रहा है, लेकिन दुनिया मोदी सरकार की हर नीतियों और योजनाओं को ऐतिहासिक बता रही है। ब्रिटेन की एक पत्रिका ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अभी बहुत पीछे हैं। ब्रिटेन की एक मशहूर चिकित्सा पत्रिका द लैंसेट का कहना है कि पीएम मोदी आयुष्मान भारत कार्यक्रम के जरिए अपने राजनीतिक मंच के तहत स्वास्थ्य कवरेज को प्राथमिकता देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी मोदी के मुकाबले काफी पीछे हैं। द लैंसेट पत्रिका ने लिखा है कि पीएम मोदी गैर संक्रामक रोगों से घिरे भारत में स्वास्थ्य के महत्व को न केवल नागरिकों के प्राकृतिक अधिकार के तौर पर बल्कि उभरते मध्य वर्ग की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राजनीतिक औजार के तौर पर लिया है। वहीं द लैंसेट पत्रिका ने कहा कि कांग्रेस को फिर से सशक्त करने और निम्न जातियों, जनजातियों और ग्रामीण गरीबों की मदद करने का राहुल का दावा मोदी केयर के मुकाबले काफी पीछे है। ब्रिटेन की इस पत्रिका ने पिछले महीने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में राहुल गांधी द्वारा ये कहे जाने पर कि भारत में पूर्ण संकट है का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस प्रमुख नौकरियों के संकट का जिक्र कर रहे थे, लेकिन भारत में स्वास्थ्य संकट भी है जिसे सालों की अनदेखी के बाद मोदी सरकार ने स्वास्थ्य के बारे में व्यापक जन असंतोष को पहचाना और इस साल आयुष्मान भारत नाम पहल के तहत स्वास्थ्य संकट को दूर करने के लिए दो कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का निर्माण किया जाएगा और सालाना 5 लाख रुपए प्रति परिवार को कवरेज प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य बीमा जिससे 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवार लाभान्वित होंगे। इस तरह की स्वास्थ्य सुविधा भारत जैसे बड़े देश में किसी पहली सरकार ने शुरू किया है। ये योजना न सिर्फ भारत के गरीब पिछड़ों के लिए मददगार साबित होगा बल्कि अगले लोकसभा चुनाव में ये योजना मोदी सरकार के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक हथियार के रूप में काम करेगा।